हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल फ्लेवर्स ऑफ माय प्लेट। तो आज हम बनाएंगे चिकन वॉन्टन। ये एक चाइनीज डिश है। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल में 2 बड़े चम्मच मैदा और 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर लेंगे। इसमें थोड़े से बेकिंग सोडा, स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। फिर इसमें गर्म पानी डालते हुए एक सॉफ्ट डो बना लेते हैं। डो हमारा तैयार हो गया। अब चलिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। मैं यहाँ पे 200 ग्राम चिकन कीमा ली हूँ। इसको बस एक बार ग्राइंड कर लेते हैं। अब इसमें 1/2 नींबू का रस, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच चिकन मसाला, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, स्वाद अनुसार नमक और 2 स्पून मस्टर्ड ऑयल डाल देते हैं। मैं यहाँ पे दूसरी एक प्लेट में काट के रखी हूँ 1 बड़ा बारीक कटा हुआ प्याज, 2 से 3 हरी मिर्चें, कुछ बारीक कटी हुई लहसुन की कलियाँ और थोड़े से धनिया के पत्ते। अब इन सब को भी चिकन में डाल देते हैं और सबको अच्छे से मिला लेते हैं। अब चलिए वॉन्टन को तैयार करते हैं। ये मैं डो से एक बड़ी रोटी बना के कटर की मदद से गोल गोल शीट्स काट ली हूँ। अगर आपके पास कटर ना हो तो आप इसको ढक्कन या फिर कटोरी की मदद से भी ऐसे काट के बना सकते हैं। अब एक शीट लेते हैं, इसमें स्टफिंग डाल के साइड में पानी लगाते हुए ऐसे शेप बना लेते हैं। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। इसी तरह से बाकी के वॉन्टन्स भी बना लेते हैं। ये हमने बाकी के वॉन्टन्स भी बना लिया है। चलिए अब इसको फ्राई करने के प्रोसेस में चलते हैं। ऑयल को पहले गरम कर लेते हैं। ऑयल गरम हो चुका है। अभी गैस को मीडियम फ्लेम पे करके एक एक करके सारे वॉन्टन्स फ्राई करने के लिए डाल देते हैं। इसको पलटते हुए दोनों साइड से अच्छे से फ्राई करना है। देखिए ये कितने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और चिकन भी अंदर से अच्छे से पक चुका होगा। अब इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। बाकी के वॉन्टन्स भी ऐसे फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए फ्राई होने के बाद ये वॉन्टन्स ऊपर से जितने सुंदर दिख रहे हैं अंदर से उतने टेस्टी भी होंगे। मैं एक आपको तोड़ के दिखाती हूँ।
देखिए ये ऊपर से बिल्कुल कुरकुरे बने हैं और अंदर से चिकन भी बहुत अच्छे से पका हुआ है। इस रेसिपी को घर पे बनाना बहुत ही इजी होता है। आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करें और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।